प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं और अपराधियों को सावधान रहने की हिदायत दी थी। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अफसर और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सीएम योगी की नजरें शुरुआत से ही तिरछी बनी हुई है। लेकिन संत कबीर नगर में योगी के आदेशों के उलट पुलिस ही आरोपियों को बचाती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। संत कबीर नगर में भूमाफिया राज, भूमाफियाओं की रक्षक बनी पुलिस। महिला ग्राम प्रधान ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। बाबा का बुलडोजर जितनी तेजी से अपना कमाल दिखा रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से भूमाफियाओं के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं और अवैध कब्जा धारकों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर अभियान को गति देने में जुटी है, तो वहीं पुलिस की मिली भगत से संत कबीर नगर में भूमाफिया सीएम के आदेशों को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल संत कबीर नगर के घनघटा थाने की पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर अवैध कब्जे का विरोध करने वाली महिला ग्राम प्रधान के परिवार पर उत्पीड़न करने का मामला सामने आ रहा है। और जैसे ही ये मामला सामने आया तो राजनीति गरमाना भी लाजमी था। अब इस मामले की गूंज विपक्षी पार्टियों के कानों तक पहुंच गई, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात करते हुए उन्हें मामले से अवगत कराया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। दरअसल जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, बिना देर किए सपा के जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान डीएम को दिए गए ज्ञापन में सपाइयों ने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता राकेश पाठक ग्राम पंचायत घनघटा में मंडी समिति की भूमि पर भाजपा नेता और उनके परिजनों ने अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित ग्राम प्रधान के साथ दबंगों ने मारपीट की, जबकि परिजनों को न्याय दिलाने के बजाय घनघटा पुलिस ने प्रधान के परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे प्रधान प्रतिनिधि हरीश चंद्र यादव ने कहा कि घनघटा थाना अध्यक्ष पीड़ितों को फर्जी मामले में फंसा कर जेल भेजने की धमकी देते हैं, साथ ही मंडी समिति की भूमि पर अवैध कब्जा कराकर प्रधान के परिजनों का उत्पीड़न करने में भी जुटे हुए हैं। योगी सरकार जहां एक तरफ महिलाओं को लेकर सतर्क है और आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हैं, तो वहीं पुलिस की शिथिल कार्यशैली का खामियाजा आम जनता ही नहीं बल्कि प्रतिनिधियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भ्रष्टाचारियों के आरोपों में घिरे अफसरों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर सरकार का डंडा और बुलडोजर दोनों ही चल रहा है, लेकिन जब पुलिस ही रक्षक बन जाए तो ऐसे में कार्रवाई हो तो हो किस पे? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा कि क्या ऐसे रक्षक और ऐसे भूमाफियाओं पर सरकार शिकंजा कसती है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।